पूर्व सीएम हरीश रावत की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप कि पुलिस उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है और वो धरना देने के लिए राजभवन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत, आपको बताएं कि प्रदर्शन करते हुए जो मुकदमा दर्ज हुआ है पूर्व सीएम हरीश रावत को के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उसको लेकर धरना देने के लिए राजभवन पहुंचे हुए हैं और राजभवन के बाहर धरना देना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस बल जो है वो इसको इस वक्त बैरिकेड्स लगाकर रोकते हुए, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि पुलिस के साथ जो बातचीत उनके बीच हो रही है। जब तक वहाँ नहीं उसके नीचे तब तक हरीश रावत यहाँ से, आप एक तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं हरीश रावत की, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तब तक हरीश रावत यहाँ से नहीं हटेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर और बढ़ती महंगाई के विरोध में बैलगाड़ी पर उन्होंने प्रदर्शन किया था और अब धरना देने के लिए वो राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही हैं। जिस तरीके से आप इस सीधी तस्वीरें देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर अभी सुना भी गया कि उन्होंने कहा है कि जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता तब तक हरीश रावत यहां से नहीं हटेगा। ये देख सकते हैं आप कि हरीश रावत यही बैरिकेड्स के पास ही बैठ गए, बैरिकेड्स पर ही बैठ गए। तस्वीरें देख सकते हैं आप उत्तराखंड के, तो आपको बता दें कि जहां पुलिस ने उनको रोक दिया है, जहां बैरिकेड्स लगा के पुलिस ने उन्हें रोका है, वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं हरीश रावत। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं सिर्फ आरएनएन टीवी पर। आपको बता दें हरीश रावत और उनके जो समर्थक हैं उनको पुलिस ने यहां पर रोका हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में हरीश रावत ने जो है प्रदर्शन किया था, साथ ही साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में बैलगाड़ी पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व सीएम हरीश रावत जो है उन्होंने बढ़ती महंगाई, बढ़ते तेल के दाम, इन सभी चीजों को देखते हुए प्रदर्शन किया था और अब हरीश रावत आज धरने पर राजभवन के बाहर बैठने वाले थे पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनका जो रास्ता है उनको रोक दिया है, रास्ते को बंद कर दिया। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस ने किस प्रकार से बैरिकेड्स लगाकर उनको यहाँ पर रोक दिया है और अभी कुछ देर पहले हमने हरीश रावत को कहते हुए भी सुना है कि उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें वहां जाने नहीं दिया जाएगा तब तक वो यहीं बैठेंगे, तब तक पूर्व सीएम हरीश रावत यानी कि उन्होंने कहा कि मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा। तो धरने पर बैठ गए हैं हरीश रावत, आपको बता दें जहां पुलिस ने उन्हें रोका है, जहां पुलिस ने रास्ता बंद किया है, रास्ता बंद कर पुलिस ने जहां उन्हें रोका हरीश रावत वही धरने पर बैठ गए। जिस प्रकार से कुछ बोल मेरे ऊपर जो है, मैं भगवान शिव को प्रणाम करने गया, बैलगाड़ी में क्या गया, सरकार ने उसको मुद्दा बना लिया, अपना अपमान मान लिया शिव जी के पास जाने को, और मेरे ऊपर जो मुकदमे, मेरे साथियों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, मैंने उसके विरोध में कल रात 7 बजे कहा था कि मैं 1 घंटे का अकेले उपवास, अकेले धरना दूंगा ताकि लोकतंत्र की जिस तरीके से उत्तराखंड में हत्या हो रही है उसके प्रति लोगों का ध्यान जाए, लोगों की आवाज़ बुलंद हो। आज जब मैं हाथी बलकला हो करके पैदल आया हूं तो मुझे विजयनगर पुल पर रोक दिया गया है और मैंने इनको मैसेज भी कर दिया था कि पुल को पार करके एक छायादार पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा, पेड़ भी मैंने इंगित कर दिया था, केवल 50 मीटर की दूरी पर है और मुझे लगता है कि ये सरकार ये चाहती है कि हरीश रावत सत्याग्रह करते हुए अपने प्राण दे दे और मैंने फैसला कर लिया है या तो ये मुझे जेल में डालेंगे और यदि ये जेल में नहीं डालते हैं तो हरीश रावत जब तक विजयनगर के इस पुलिया को पार करके आगे पेड़ के नीचे नहीं बैठेगा मैं यहीं पर रहूंगा और मैं या तो जेल जाऊंगा या यहीं पर जो है रहूंगा, चाहे मुझको कितने ही दिन यहां पर क्यों नहीं बिताने पड़े। पर आपको तो रोका जा रहा है, पुलिस की तरफ से आपको बार बार रोका जा रहा है, आप फिर भी मैंने उनसे अनुरोध किया, मैं पुलिस के लोगों को कोई दोष नहीं देना चाहता और वो भी सब समझ रहे हैं, ये जिसका भी हुक्म है मैं उस हुक्म को मानने से इनकार करता हूं
और उसके विरोध में मैं यहाँ पर धरने पर बैठ गया हूँ। अब यह धरना या तो हरीश रावत विजयनगर की पुलिया को पार करके 50 मीटर आगे पेड़ के नीचे बैठेगा उपवास पर, और नहीं तो फिर हरीश रावत यहीं बैठेगा। सर, आज का थोड़ा सा विरोध क्या है आपका, थोड़ा ये बता दो। आज आप सरकार पर किस तरीके से हमलावर हैं और कल भी आपने रेलगाड़ी पेट्रोल डीजल गैस के दाम जिस प्रकार से बढ़ाए जा रहे हैं, दुनिया में इन पदार्थों के दाम घट रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर ये मूल्य वृद्धि लोगों के ऊपर थोपी जा रही है, उसके विरोध में कांग्रेस का कार्यक्रम है। और मैं क्वारंटाइन से देने शिव जी को मैं रायपुर गया और कार्यकर्ताओं से मैंने कहा भाई बैलगाड़ी में ले जाओ ताकि मैं जो है वहाँ भगवान शिव को धन्यवाद दे सकूं। अकेले गया था तब भी, केवल 2-3 लोग जो सुरक्षा के लिए जरूरी थे वो लोग मेरे साथ थे, और एक लड़का जो वीडियो बना रहा था वो साथ था, बाकी कोई साथ नहीं था। और मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, मेरे साथियों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक ह्यूमन चेन बनाई विरोध जाहिर करने के लिए, उन पर मुकदमे लगाए गए। उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं। मैंने उसके विरोध में लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये फैसला किया। मैं उत्तराखंड की माननीय गवर्नर के निवास के सामने 1 घंटा बैठूंगा और धरना दूंगा। एक प्रतीकात्मक विरोध था मेरा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब मैं आया तो मैं हाथी बड़कला से अकेले चल करके, एक लोग जो गाड़ी में ला रहे थे वो लोग थे, और मैं अपना मोड़ा खुद लेकर के बड़ा आगे विजयनगर के पास में मुझे पुल पर रोक दिया गया। मैंने कहा भाई मैं छाया में बैठूंगा, मुझको ऐसे वृक्ष के नीचे बिठा रहे हैं जिस पर पत्तियां नहीं हैं। हाँ, मैंने कहा 50 मीटर आगे, केवल 50 मीटर आगे, कोई भी मीडिया का दोस्त नाप करके देख ले, 50 मीटर आगे हरा भरा वृक्ष है। मैंने कहा मैं उसके नीचे उपवास पर बैठ जा ना मैं 1 घंटे के धरने पर बैठ जा रहा हूँ, 1 घंटे के धरने। मेरे साथ कोई साथी नहीं आया, जो आए भी हैं उत्सुकता बस यहाँ, मैंने उन सबको मना कर दिया था कोई इधर नहीं बढ़ेगा करके, लेकिन मुझको जिस तरीके से रोका गया है, मुझे पुलिस के कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं है, पुलिस के कर्मचारियों से अधिकारियों से, जैसा हुक्काम का आदेश ये वो उसका पालन कर रहे हैं। और मैं भी मेरे मन का जो आदेश है, मेरे मन का आदेश यह है कि यहाँ से 3 संभावनाएं हैं। अब एक संभावना यह है कि पुलिस अपनी बैरिकेड आगे खिसकाए और मुझको उस पेड़ के नीचे बैठे थे, और दूसरी संभावना यह है कि मैं यहीं पर बैठ करके अपने प्राण त्याग दूं जब तक मैं वहां नहीं जा पहुंचूंगा, और तीसरी संभावना यह है कि ये मुझको उठा करके जबरदस्ती जेल में डाले। सर, आपको नहीं लगता कि कल आप जब मंदिर गए थे आप अकेले जा सकते थे, वहां आप सर लोग जुटे जिस वजह से केस दर्ज सरकार को करना पड़ा, आपको इसके पीछे नहीं लगता कि आप अकेले जा सकते थे कल वहां पर? मैं अकेले गया, मैं यहां अकेले आया हूं, और मैं समझता हूँ मीडिया देश की आंख होता है और मीडिया ने यहाँ भी देखा होगा मैं अकेले आया हूँ। नहीं, वहाँ कल मंदिर में, मैं मंदिर में भी अकेले आया था, पर आपके साथ कुछ लोग थे सर वहाँ पर? नहीं, वो लोग तो मैं हूँ, अब मैं हूँ तो आप आ गए तो लोग आ गए। अब मान लिया बात बढ़ते बढ़ते यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा तो इसके लिए हरीश रावत दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी त्रिवेंद्र सिंह रावत है। सर, क्या आपकी सक्रियता की वजह से सरकार डरी है कल जिस तरीके से मुकदमे हुए और आज यहाँ पर रोक दिया गया? मैं किसी को डरा हुआ नहीं मानता, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, शस्त्रविहीन अस्त्रविहीन धनविहीन, बस केवल मन के भाव हैं, और पेट्रोलियम जिस तरीके से जनता त्रस्त है मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का निर्णय लिया, और EICC का आह्वान था, सोनिया जी का निर्देश था, मैं उसका पालन कर रहा था और भगवान शिव को धन्यवाद देने गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरीश रावत जी थे जिन्होंने जिनका साफ तौर पर धरने पर बैठे हैं हरीश रावत। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पुलिस अपने बैरिकेड्स जो है उनको आगे खसकाए, मुझे आगे जाने दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि
पुलिस से उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। हरीश रावत ने सारी बातें कही हैं। देहरादून धरने पर बैठे हुए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देगी, तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध जो है करना अपराध है क्या, ये उन्होंने सवाल पूछा है। राजभवन जाने से पहले ही हरीश रावत को रोक लिया गया है। जैसे कि आपने सीधी तस्वीरें अभी कुछ देर पहले देखी, विजय कॉलोनी में ही धरने पर हरीश रावत बैठ गए हैं, जहां पर उन्हें रोका गया है, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, वहीं धरने पर जो है पूर्व सीएम हरीश रावत बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। आपको बताया कि तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध करना अपराध है क्या, यह सवाल उन्होंने पूछा है। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत जो है वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया है, बैरिकेड्स के पास ही वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी पंकज पवार इस वक्त वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ताजा हाल। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, वहां पर कैसा माहौल है और पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो हरीश रावत को आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि हरीश रावत कह रहे हैं कि केवल 500 मीटर और आगे जाने दिया जाए, जहां पे जो पेड़ है वहां पे उनकी पत्तियों का झुरमुट है, वहां पे वो उसके नीचे बैठना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजभवन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और पुलिस की भी मजबूरी है कि वो इससे आगे जाने नहीं देना चाहते। और कुल मिलाकर कोशिश यही है, हरीश रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर उनको 500 मीटर आगे नहीं जाने दिया तो वो पूरे दिन भर यहीं पर बैठे रहेंगे। कोशिश यही है कि अपनी जो बात है वो रखने की कोशिश हरीश रावत कह रहे हैं। उसके अलावा जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं उसका विरोध उनका है, इसके अलावा जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसको खिलाफ वो हैं, और अकेले हरीश रावत हैं, उनके जो तमाम जो समर्थक हैं वो इधर उधर जरूर खड़े हैं, लेकिन हरीश रावत धरने पर अकेले बैठे हुए हैं। जी अजी पंकज भाई, जिस प्रकार से हरीश रावत ने कहा कि वो अकेले ही अपना मूढ़ा लेकर चले थे पर जो कुछ साथी थे उनके वो वहां पहुंच गए, तो आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस वक्त जहां पर मौजूदा स्थिति है उनके कितने कांग्रेस का और कार्यकर्ता जो है वहां पहुंचे हुए हैं, दिखाएं अपने दर्शकों को, दिखाएं कि वहां पर इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं कांग्रेस के हरीश रावत के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो ज्योत सिंह बिष्ट मौजूद हैं, किशोर उपाध्याय यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर कहा जाए तो कई कांग्रेस के नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद जरूर हैं। और साफ तौर पर जो आप किस तरह देखते हैं आज हरीश रावत जी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आप लोग किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं? हम सरकार की जो नीतियाँ हैं इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार की जो नीति है, राज्य और केंद्र की सरकार, महंगाई के खिलाफ, इसलिए रावत जी आज जो है धरने पे बैठे हैं। बस हो गया। तो ये इसके अलावा अगर कहा जाए तो ज्योत सिंह बिष्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं हरीश रावत जी आज धरने पर बैठे हैं, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों का विरोध है? उत्तराखंड सरकार जिस तरह का तानाशाही रवैया अपना रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग जब महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध करते हैं, कोरोना के संक्रमण की रोकथाम में सरकार के फेलियर का विरोध करते हैं या जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, तो कभी वो हरीश रावत जी पर मुकदमा करते हैं, कभी प्रीतम सिंह जी पर मुकदमा करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू को वहां पर बंद किया। प्रियंका, पंकज, हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि कांग्रेस के कई समर्थक और जो कई नेता हैं वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और पूर्व सीएम के समर्थन में यहां पहुंचे हुए हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।